अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी गंदम की फसल में पहले पानी पर खादों के इस्तेमाल के बारे में। अगर आपने गंदम की फसल की बिजाई के दौरान गंदम की मतलूबा फास्फोरस की मकदार यानी कि DAP आपने 1 से 1.5 बोरी इस्तेमाल की हुई है, तो फिर गंदम के पहले पानी पर खादों का शेड्यूल क्या रखा जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। काशकर भाइयों, अगर आपने गंदम की फसल की बिजाई के दौरान फास्फोरस की जो मतलूबा मकदार थी यानी कि अगर आपने DAP इस्तेमाल की है तो 1 से 1.5 बोरी तक आपने इस्तेमाल की हुई है, तो फिर अब आपकी फसल में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसे जैसे फसल बड़ी होती जाती है यानी कि जब फसल पहले पानी पर आती है तो तब तक पौधे की नाइट्रोजन की ज़रूरियात भी बढ़ती जाती हैं। इससे पहले पौधा नाइट्रोजन की ज़रूरत DAP के अंदर मौजूद जो 18% नाइट्रोजन होती है वहाँ से पूरी कर रहा होता है, क्योंकि उस वक्त उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत भी कम होती है। जब फसल बड़ी हो जाएगी तो उसकी नाइट्रोजन की ज़रूरत भी बढ़ती जाएगी, तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपकी फसल में पहले से फास्फोरस की मतलूबा मकदार डाली हुई हो तो फिर आपने पहले पानी पर फसल में यूरिया और साथ में जिंक का इस्तेमाल करना है। यूरिया से फसल की नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी होगी और जिंक के इस्तेमाल से फसल में जो है जिंक की कमी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा काश्तकारी करते हैं तो हमारी फसल में जो माइक्रोन्यूट्रेंट है यानी कि जो बहुत कम मकदार में खादें चाहिए होती हैं जैसे कि जिंक है, बोरान है, इनकी भी कमी होना शुरू हो जाती है। तो अगर इसका भी इस्तेमाल करते हैं इससे फसल की जिंक की ज़रूरत भी पूरी होगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि फसल की जो टिलरिंग है, जो उसकी शगुफा साजी है, वो बेहतर हो जाएगी। फसल का जो पैदावारी झाड़ है वो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, और जितना अच्छा पैदावारी झाड़ होगा उतनी ही अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है, क्योंकि जितने टिलर बनते हैं उतने ही फसल को सिट्टे लगते हैं, तो जितने टिलर बनेंगे उतनी ही ज़्यादा पैदावार ली जा सकेगी। तो अब आपने करना यह है कि आपने पहले पानी के ऊपर 1 बोरी नाइट्रोजन के साथ जिंक सल्फेट या फिर चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल करना है, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकता है कि आप सादा यूरिया की निस्बत आप ज़बरदस्त यूरिया को तरजीह दें, क्योंकि ज़बरदस्त यूरिया के अंदर जिंक ऑलरेडी मौजूद होती है और वो बायो एक्टिव जिंक होती है। अगर आप सादा यूरिया इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो जिंक सल्फेट आपने 5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से खाद के अंदर मिला के छटा कर देना है, और अगर आप चिलेटेड जिंक का सादा यूरिया के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आप चिलेटेड जिंक सिलेक्ट के नाम से केंजो कंपनी की वो ले सकते हैं, उसके काफ़ी अच्छे नतज हैं। उसको खाद में मिलाकर छटा कर दें, इससे फसल की टिलरिंग भी अच्छी होगी और जिंक की ज़रूरत भी पूरी होगी और नाइट्रोजन की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो ज़बरदस्त यूरिया का था, उसमें अगर आप ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर आपको अलग से जिंक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो बायो एक्टिव जिंक होती है वो फसल की जिंक की ज़रूरत को भी पूरा करती है और वो बहुत ज़्यादा पौधे को मिल भी जाती है, क्योंकि वो बायो एक्टिव जिंक होने की वजह से पौधे को मिलने की उसकी सलाहियत सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आपकी फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो फसल की एक बुनियादी खुराक की ज़रूरत थी वो भी पूरी हो जाएगी।